Shout out to Rahul Desai for predicting the correct scoreline for last night's match. तो guys, आप लोग क्या कर रहे हो यार? मैंने आपसे बोला videos में कि आप scoreline predict करो, आप सिर्फ winner predict कर रहे हो. खैर, आज शाम को जो match होगा उसके लिए जिन जिन ने prediction की है Odisha FC, अगर Odisha FC जीतती है तो मैं आप सभी को shout out दे दूँगा. पर next time के लिए याद रखना guys कि आपको स्कोर लाइन प्रिडिक्ट करनी है कि कौन सी टीम कितने गोल्स मारेगी और किस मार्जिन से जीतेगी. तो दैट्स इट, अब शुरू करते हैं वीडियो का असल मुद्दा. तो किस किस ने कल शाम को देखा एफसी गोवा वर्सेस बेंगलुरु एफसी वाला मैच? तो सच बताना, मज़ा आया ना? तो गईस, बहुत ही शानदार मैच रहा कल शाम का. दो गोल से पीछे थी एफसी गोवा की टीम और फिर इगोर एंगुलो ने दो गोल्स मारे. तो इगोर एंगुलो के बारे में मैं गईस क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा शार्प स्ट्राइकर है, मूवमेंट इतनी खतरनाक है इगोर एंगुलो की. तो ट्रस्ट में अगर ये बंदा फिट रहता है पूरे सीज़न तो गोल्डन बूट यही जीतेगा, ये मैं अभी कह देता हूँ. बेशक बहुत सारे अच्छे स्ट्राइकर्स हैं इस सीज़न में, पर मुझे लगता है कि इगोर एंगुलो इस सीज़न गोल्डन बूट जीत सकते हैं अगर वे पूरे सीज़न फिट रहते हैं और उनको एक भी इंजरी नहीं होती है. क्योंकि जैसी शार्पनेस इनकी, जैसी इन्होंने मूवमेंट दिखाई है पहले ही मैच में, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आगे तो बहुत कुछ है इगोर एंगुलो के पास अभी दिखाने को. तो मज़ा आया कल शाम का मैच देखकर, इगोर एंगुलो का मैं फ़ैन बन चुका हूँ. शानदार स्ट्राइकर है, बेशक टीम ने मदद की एक थ्रू बॉल से, लो क्रॉस से, पर एक अच्छा स्ट्राइकर वही होता है जो सही जगह पे सही वक्त पे पहुंचे और गोल मारे अपनी टीम के लिए. तो क्वालिटी पूरी है इगोर एंगुलो के पास और मज़ा आने वाला है इनको देखकर इस सीज़न के आईएसएल में.